हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गो ऑनलाइन हिंदी में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स जुपिटर मनी आपको इंटरनेट बैंकिंग के फ्यूचर बेनिफिट देती है या फिर नहीं देती है। इस वीडियो में हम कंप्लीट इनके कस्टमर केयर से ही जानने वाले हैं। वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चल जाए कि आफ्टर 2 ईयर्स जुपिटर मनी आपको इंटरनेट बैंकिंग की फीस और या फिर बेनिफिट देती है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है या फिर नहीं करवाती है। तो चलिए हम इस वीडियो पर जानने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी जो कस्टमर सर्विस का जो नंबर है इस पर हमने डायल कर लिया है। ठीक है, अब हम इनसे जानने वाले हैं कि क्या कुछ कहती है कस्टमर सपोर्ट की टीम। इसके कस्टमर सर्विस का जो नंबर है वो है 8655055086। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके अगर आपकी कोई इशूज़ है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इजीली जानकारी ले सकते हो। तो एक बार फिर से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि सच में ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं फिर नहीं करवाते हैं इंटरनेट बैंकिंग का। थैंक यू फॉर कॉलिंग जुपिटर बैंकिंग दैट कीप्स पेस विद यू। ओके, प्लीज हेल्प अस आइडेंटिफाई यू सो वी कैन सर्व यू बेटर। टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर जुपिटर सेविंग्स अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ प्रेस 1। To identify no. yourself with your registered phone number and date of birth, press 2. Okay, I press 2. Please enter your 10-digit registered phone number. Okay. भाई, इतने सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने होते हैं अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो। Please enter your date of birth in DD, MM, YYYY format. Okay. चलो ये भी मैंने बता दिया। फॉर इमरजेंसी और SOS सर्विसेज प्रेस 1। नो। फॉर अदर क्वेरीज और इश्यूज अबाउट जुपिटर अकाउंट प्रेस 2। ओके, आई हैव टू प्रेस 2। प्रेस 1 टू नो योर सेविंग अकाउंट बैलेंस। नो। प्रेस 2 टू नो योर लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस। नो। प्रेस 3 टू स्पीक टू एन एक्सपर्ट। यस। प्रेस 7 टू गो बैक टू प्रीवियस मेन्यू। दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर इंटरनल क्वालिटी पर्पस। ओके। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई असिस्ट यू। कैन यू स्पीक इन हिंदी फॉर बेटर कम्युनिकेशन? जी बताइए, किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? जी मैम, मुझे जानना है कि क्या जुपिटर मनी इंटरनेट बैंकिंग की फ्यूचर या फिर बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है या फिर नहीं। जी, करेंटली नेट बैंकिंग का फीचर बता रहे हैं? जी जी, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी जी, करेंटली अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है सर, इसीलिए इसका सुविधा अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। तो करीबन 1 साल पहले मैंने बात करी थी मैम आपके कस्टमर सर्विस के नंबर पे, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो करीबन आपका बैंक जब से लॉन्च किया है करीबन 2 साल हो चुका है, आई थिंक। जी जी, तो अभी तक आप धीरे धीरे आपका स्टार्ट होगा, अभी तक तो एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, बट टेस्टिंग फेज में अभी भी चल रही है। अगर वो ऑलरेडी सारा कुछ ठीक रहती है तो आपका इन कुछ समय में जरूर आ जाएगा, बट एग्जैक्ट मैं आपको डेट अभी के लिए नहीं बता। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग ये फीचर या फिर बेनिफिट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड अभी नहीं करवा पा रहे हो ना? जी जी जी, अभी फिलहाल के लिए वो टेस्टिंग में चल रहा है, टेस्टिंग आपका कम्प्लीट हो जाएगा तो सारे कस्टमर्स के लिए वो लाइव हो जाएंगे। ओके ओके, एक और सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ जी बताइए। जी, आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह लॉन्च करना चाह रहे हो क्या, ऐसा कुछ न्यूज मिली है मुझे? हाँ जी, क्रेडिट कार्ड हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट आपका अच्छा। वही स्टार्ट होगा आने वाला 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। अच्छा, आपने शायद लोन की सर्विसेज लॉन्च कर दिया है, आई थिंक। लोन का अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। अच्छा, अच्छा। आपका ऑन डिमांड सैलरी जो था वो पहले से वही वाला ही है, बट लोन का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। लोन और क्रेडिट कार्ड आपका आने वाला 1-2 महीने में जरूर स्टार्ट हो जाएगा सारे कस्टमर। अच्छा, बट ये अच्छा से डिटेल्स चेक करने के बाद, टेस्टिंग कम्प्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा, बट नेट बैंकिंग का अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, बट वो भी अभी टेस्टिंग में ही है। अच्छा, कितना कितने साल अनुमान लगा सकते हैं मैम, कब तक ये इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज आप लोग लाएंगे? नेट बैंकिंग का एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट क्रेडिट कार्ड या लोन इसी साल तक आपका लॉन्च हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी जानकारी दी है। नो नो नो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। उनका कहना साफ साफ है कि अभी टेस्टिंग फेज में है, इन फ्यूचर जरूर लाएंगे, भले ही टाइम लग सकता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो लोग ज़रूर लाएंगे। ठीक है, तो करीबन 2 साल हो चुका है, इन 2 सालों में अभी तक नहीं किया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट ना ही करें तो सही है,
उनका इससे पहले मैंने जब कॉल किया था उनका कहना यह था कि ऑलरेडी हम लोग यूपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इनके हिसाब से उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स का भी फीडबैक हमने लिया है जिसमें उन्होंने कहा ये है कि हमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएँ नहीं चाहिए, तो इस वजह से हो सकता है कि ये लोग अभी ये सर्विसेज लॉन्च नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि क्रेडिट कार्ड्स और साथ ही साथ लोन के बारे में भी उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में सबसे पहले यही दोनों आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन थी लोन की और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड की वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।